हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके साहित्यकार। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार। तो इस वीडियो में हम हिंदी की 50 महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे और उनके रचनाकार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहली जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं जो आई हैं उनमें है रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, दोहावली, रामज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, पर रामायण, रामलला नचू और पार्वती मंगल। अब देखेंगे कबीरदास जी की है बीजक, जिसमें आती है साखी, सबद, रमणी और युगांत के क्षितिज पर। अगली है सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचना है सूर सूरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर पचीसी। रसखान जी की प्रमुख रचनाएं हैं गीत काव्य, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद और गीत गोविंद। बिहारी की प्रमुख रचनाएं हैं बिहारी ससाई। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, राष्ट्रकुल, किसान, प्रिया, चंद्रहास और हिंदू। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र वाटिका, कश्मीर कुसुम, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, अंधेर नगरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचनाएं हैं अधखिला फूल, प्री प्रवास जो महाकाव्य है, रुक्मणी परिचय, इस कलश, वैदेही वनवास जो इनका महाकाव्य है। अगली है रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध रचनाएं। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो है हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी, 11 वर्ष का समय, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। प्रेमचंद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, नमक का दरोगा, सप्त सरोज। प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सांकुतल, हठी हमीर, कलिकौतुक और भारत दुर्दशा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं रघुवंश, कुमार संभव, अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, शिक्षा, स्वार्धालता। और रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, रेणुका, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, रश्मि लोक। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कामायनी, बौद्ध की प्रसिद्ध रचना है तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, आंसू, लहर, प्रेम प्रतीक और आंधी। महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, बहुत इनकी प्रसिद्ध रचना है निहार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, अबला और सबला। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की प्रसिद्ध रचना में है जूही की कली, अनामिका, गीतिका, निरुपमा, प्रभावती और अप्सरा। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की प्रसिद्ध रचनाएं हैं स्मृत रेखा, नदी के द्वीप, शेखर, पहले मैं सन्नाटा बनता हूँ, सागर मुद्रा, उत्तर प्रियदर्शी। सुमित्रानंदन पंत की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं युगवाणी, गुंजन, ज्योत्सना, वीड़ा, ग्रंथी, युगांत और युगपत। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचनाओं में है मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलू का ये क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर। ये रही हरिवंश राय बच्चन के कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।